कृषिनगर यूपी। आशीष अग्रवाल, श्री अग्रवाल कृषि केंद्र, बुधाई डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। मैं फोन लाल से बात कर रहा हूँ। प्रशांत जी गंगा सिकंदर बलिया विकारिया विकसित कन्नौज दक्षिण मुक्का लगभग 35 सालों से ट्रापकल परिवार के साथ। हर्षद गोयल, गोयल जी भंडार, मैं टॉपी गर्ल से लगभग 7 साल से, मैं करीब 10 साल से जो है ट्रापकल का पूरा परिवार। एग्री जंक्शन हरैया जनपद बस्ती से भाई 27 साल। मैं इस कंपनी से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, 30 साल का इस कंपनी का जुड़ा हूँ। पूरनपुर पीलीभीत अजहर समिति 1985 से इत्तेफाक है इस कंपनी के लिए। आज के इस समारोह में हमारे अतिथिगण, हमारे महाप्रबंधक सेल्स श्री प्रवीण श्रीवास्तव सर, भोपाल मध्य प्रदेश के जोनल मैनेजर श्री विजेंद्र कुमार तिवारी साहब, गाजियाबाद के रीजनल मैनेजर श्री एके सिंह जी, हमारे साथी श्री सुधीर मिश्रा जी, हमारे रीजन के विभिन्न जिलों से आए हुए आप सभी सम्मानित हमारे विक्रेता बंधुओं, हमारे सेल्स एवं डेवलपमेंट टीम के हमारे साथी, हमारे रीजनल ऑफिस के हमारे सभी साथी, आज के इस समारोह में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और आप सभी की उपस्थिति पर मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज ट्रॉपिकल की हमारी 70% एनर्जी केवल हमारी परंपरागत कृषि को प्रमोट करने के लिए लग रही है। आप सब लोग जानते हैं क्यों लग रही है, इसीलिए लग रही है कि फ्यूचर इसी में है, फ्यूचर और कहीं नहीं है। हम कितना भी भाग लें हमें प्रकृति का संरक्षण करना ही पड़ेगा। यदि हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो उसके परिणाम काफी दुखदायी होंगे। मित्रों, सौभाग्य से हम सभी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, कृषि, कृषि व्यवसाय, कृषि से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं, इंडिया में एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो उस कठिन दौर के, उस वैश्विक महामारी के दौर में भी हमारी जीडीपी में एकमात्र ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने की पॉजिटिव ग्रोथ दी है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब बड़े से बड़े उद्योग धंधे, बड़े से बड़े कारपोरेट हाउसेस में मंदी के बादल मंडरा रहे थे, सन्नाटा था, उस दौर में भी हमारे किसान के खेतों में फसल लहलहा रही थी और उनको वो सारे जरूरी संसाधन आप सब लोग मुहैया करा रहे थे। तब जाके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सब जगह पर सबकी थाली में ताजी सब्जी, फल, अनाज सबको मुहैया हो पाया। उस दौर में किसान तो अन्नदाता, जो हमारा किसान है वो उसका तो कद बढ़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी लोगों का योगदान भी उजागर हुआ जो इससे पहले कभी अवसर नहीं आया। ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत संतोष का विषय है कि परोक्ष रूप से ही सही हमारे व्यवसाय से, हमारे काम से लोगों का भला हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हमको मिल रही हैं। धरती माता की जय। आज के कुछ समय पहले हम फर्टिलाइजर यूज करते थे, कम फर्टिलाइजर में भी अधिक प्रोडक्शन मिलता था, लेकिन आज वो नहीं मिल रहा है जो हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कभी आप सोचे, किसान भी सोचता है कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाले हम लोग और आप लोग हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है उसको रास्ता दिखाने के लिए। कुछ समय पहले जैसे हमारे जब हमारे पूर्वज थे, दादा थे, उनसे हम जब बात करते हैं तो वो बोलते थे कि जब मिट्टी पहली बारिश हुआ करती थी तो मिट्टी में ऐसी खुशबू आती थी कि उसको खाने की इच्छा होती थी और बहुत सारे जीव मिट्टी में बरसात के समय निकलते थे।
लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ तो जीव ऐसे होते जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, कुछ जीव ऐसे होते जिनको अपन देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा एक जीव है, जो उसको अपन किसान का मित्र भी बोलते हैं, वो है केंचुआ। वो केंचुआ अभी जमीन से नदारद हो रहा है। ये इस काम में हमारा ट्रॉपिकल कंपनी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका विजन क्लियर है। उनका सोच यही है कि हम किसान को या किसान के द्वारा उत्पाद किया हुआ प्रोडक्ट जो मानव है उसको मिले, वो स्वस्थ भी रहे। उसको स्वस्थ रहने के लिए हम ऐसा फूड उपलब्ध कराएं जो ज़मीन भी ख़राब नहीं करे, वो प्रोडक्शन भी मिले और वो स्वस्थ भी रहे। सॉइल को अगर हेल्दी रखेंगे, सॉइल में ऐसी चीज़ों को डालेंगे जिससे उसका जो फास्फोरस है वो मोबिलाइज फॉर्म में आके पौधे को मिल जाए। अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि DAP नहीं मिल रहा आपको, जबकि DAP आपके ज़मीन में पड़ा हुआ है। जब से अपन ने खेती शुरू की है तब से फास्फोरस बेस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। वो सब कहाँ जा रहा है? कुछ तो यूज हो रहा है, वो ज़मीन में सेट हो रहा है, लेकिन उसको प्लांट को मिले कैसे? इसलिए कंपनी ने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। गोल्ड वाइनिक है, टैग वाइनिक सुपर है, जो आपको बिना टेस्ट किए ही आपके में कितना फास्फोरस है वो मोबिलाइज फॉर्म में ला के प्लांट को दे देगा, जिससे आपका pH डाउन हो जाएगा। pH डाउन हो जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है अपने को? जो अपन न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, वो सब प्लांट को मिलेगा। तो अपन जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं खाद में, वो अपना यूज हो रहा है, फसल को मिल रहा है। आने वाले जो कल वाली पीढ़ियाँ हैं उनको स्वस्थ फसल मिले और स्वस्थ मृदा मिले, जिससे वो ये कह सकें कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया, जिससे हमारे प्रोडक्शन में अंतर नहीं आ रहा। नहीं एक दिन ऐसा आएगा जैसे पंजाब में हो गया, प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा, वहाँ फर्टिलाइजर डालते चले जा रहे, हो क्या रहा है? वहाँ का पानी भी जहरीला हो गया, इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, हर घर में कैंसर मिल जाएगा, तो ऐसी डिसीज आ रही है जो ठीक नहीं हो रही। वो अभी UP में नहीं है, तो अपन उसको अभी पहले से सुधार सकते हैं। ये सारी बीमारियाँ आती सॉइल से ही हैं, तो सॉइल को अगर अपन सुधार के रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो ये आगे अपने प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और बीमारियाँ फसल में तो कम आएगी और अपने शरीर में भी कम आएगी। आप सब ट्रॉपिकल फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत नमस्कार और मेरा प्रणाम। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतना जहर जमीन में अपने डाल रहे हैं दिन पर दिन, और इतना फर्टिलाइजर अपने डाल रहे हैं जमीन में कि उसके कारण जो जमीन में जो जहर बढ़ रहा है उसके कारण दिन पर दिन अपना जो यील्ड भी है वो भी कम हो रहा है। तो इसके लिए भी ट्रॉपिकल के पास, आप लोग सब जानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फार्मर्स को बोलें कि जैविक खेती में ज़्यादा ध्यान देने के लिए। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब जगहों पर अब एक स्लोगन चल रहा है कि पराली नहीं जलाना है और इसको खाद बनाना है। फसल अवशेष एक समस्या है और इसका समाधान क्या है? इस क्रॉप है हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से धान के अवशेष, मक्के के अवशेष, गन्ने के अवशेष, गेहूं के अवशेष, इनका निस्तारण करने में किसान को कई तरह से दिक्कत है। फसल अवशेष का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में करें, यह हमारा मोटो। इसका समाधान है ट्रॉपिकल एग्रो का नवीनतम पर्यावरण हितैषी उत्पाद प्रोपेन। प्रोपेन बेसिकली एक डीकंपोजर वह पद्धति है, डीकंपोजर कंपोजिशन वह पद्धति है जिसमें कि पौधों के अवशेष को बहुत तेजी से गलाकर उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर, उसको जैसे खाद बन जाती है, गोबर की खाद कूड़ा करकर इकट्ठा करते, उस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है। मगर अगर डीकंपोजर आपने डाल दिया, अगर आपने प्रोपेन का स्प्रे करा दिया, रेते मिला के गलवा दिया, पानी लगवा दिया, तो वो पूरी उस फसल अवशेष को गला देगा। जैसे इसमें धान दिखाया गया, गन्ना या मक्का जी, हमारे क्षेत्र में ना तो सर धान है जी सर, ना गन्ना है जी सर। हमारे यहाँ होता क्या है कि सर खेत की तैयारी से पहले लोग हरी खाद के लिए सनई और ढेंचा होता है जी, क्या लेग्युमिनस क्रॉप को भी ये डिकम्पोज कर सकता है सर? हार्वेस्ट किया जाए, देखिए
ये किसी भी क्रॉप को कर सकता है, क्योंकि मैंने उड़द और सोयाबीन का जिक्र किया है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप ही है वो। आप उसकी जब जुताई करते हैं, जब भी किसान हरी खाद की जुताई कर दे, यानी कि जड़ से उसका संपर्क हटा दिया उसने, वो कोई किसी भी फैमिली के क्रॉप, किसी भी फैमिली में आप कर दो, मैं आपको कहता हूँ और जल्दी उसका विघटन करने में ये मदद करेगा, और जल्दी वो अवशेष जो है वो सब मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। दूर दराज से आए हुए उत्तर प्रदेश के अति विशिष्ट विक्रेता बंधु, जिन्होंने पिछले माह में जो कंपनी ने लॉन्च किया था प्रोडक्ट लिफ्टिंग स्कीम के तहत, अपने उस आप लोगों ने अति उत्साह के साथ में उसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उस सभी के लिए मैं ट्रॉपिकल कंपनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। कृषि और कृषि व्यापार किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में एक होता है। यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों का भोजन प्रदान करता है, बल्कि भारतवर्ष में 70% लोग इसी कृषि और कृषि संबंधित व्यापार में जुड़े हुए हैं और उनसे उनका भरण पोषण होता है। भारतवर्ष की जीडीपी का लगभग 16% योगदान कृषि संबंधित कार्यों से ही होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंश है। इसमें एक बहुत अच्छी बात हुआ कि आज हम कृषि के क्षेत्र में स्वावलंबी बने हैं, ना सिर्फ स्वावलंबी बने हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय देशों को हम लोग ढेरों कृषि से संबंधित उत्पादन को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें धान, गेहूं, शक्कर, फलों में आम, संतरा, जूट, ऐसे बहुत सारी चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और विश्व बाजार में पहला दूसरा स्थान रखते हैं। इससे भारत सरकार को डॉलर में आमदनी होती है, जो हमारे भारतवर्ष के विकास में काम आता है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उसी प्रकार से किसानों के बीच में पर कैपिटा खेतों की जो है वो संख्या कम होती गई, मतलब एकरेज उनके पास में कम होता गया। तो किसान आज ये सोचते हैं कि हमारे पास में चूंकि एकरेज कम है, तो किस तरीके से हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें, और वो किसान जागरूक भी हुए हैं कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजी हम लोग और अपनाएं, ताकि हम हमारे इस छोटे से कम खेत में ही जो है हम उसका ज्यादा उत्पादन कर सकें। ट्रॉपिकल इकोसिस्टम जैविक उत्पादन को हेल्प करने के लिए ना सिर्फ अपने लोकल स्रोत का उपयोग किया है, बल्कि बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने अपने साथ में टाई अप करके, जैसे कि तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज, अपने IRI से, ICR से, इन सब बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने अपने साथ में संबंध जोड़कर उनके में जो उपलब्ध विशेष प्रकार के नया टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस किया है। इसी श्रृंखला में ट्रॉपिकल ने इस साल एक नया प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, जिसका नाम है टैग लेमिना। जो टैग लेमिना है, एक्चुअली में ये एक जाइंट प्रजाति का म्यूटेशन है, लेकिन हम इस जाइंट को दूसरे जो आज तक के अवेलेबल जाइंट है, जैसे ट्रॉपिकल में भी टैग जाइंट है, इससे ये कैसे अलग है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में इस प्रजाति का जाइंट अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ट्रॉपिकल फर्स्ट कंपनी है जो नया टाइप का जाइंट लेके आ रही है। इसमें क्या खासियत है वो मैं बताता हूँ। पहली बात कि ये जहां पे उगता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, वहां पे जो है ये उगता है, ये खास जगह है, वहीं पे ये उगता है और वर्ल्ड में ये कहीं भी पाया नहीं जाता है। तो इसके निकटतम जो देश है वो फ्रांस है। फ्रांस के पास में ये इनके पास में कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिससे इस जाइंट को जो है
वो पौधे में देने लायक उपलब्ध करवाते हैं। मतलब जाइम क्या होता है, ये समुद्री घास या समुद्री एल्गी कहलाता है। ये समुद्री एल्गी को लेके आते हैं और फिर उसको डिस्टिलाइज करने के लिए उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसको संशोधित किया जाता है। इसमें बहुत सारे गुण हैं, मैं इसे टैगलामिना पौधे को अधिक नमी और पौधे को सूखे के प्रति सहनशील प्रदान करता है। आप उसका बायोलॉजिकल जो है ना टैग ले लिया उसको भी आप मिलाइए और एक न्यूट्रिशन मिलाइए लाइक टैगलामिना है, आपको बेहतर परिणाम है। तो आप क्रॉप के किसी भी स्टेज पे उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फूल आना के बाद हमको नहीं देना है या इस अवस्था में नहीं देना, आप इसे भी अवस्था से बचा सकते हैं सर। बिल्कुल बचा सकते हैं। और आपसे ये मेरा अनुग्रह है, आग्रह है कि पहले आप थोड़े से एरिया में ट्रायल ले लीजिए, थोड़े से एरिया में ट्रायल ले लीजिए, आपको ट्रायल से जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ही आप थोड़ा उसका विस्तार कीजिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, हमारे लिए भी नया है, तो हम लोग इसका ट्रायल करने लगे। लेकिन आपको ट्रायल में सक्सेसफुल आप होंगे ये मेरा पूरा उम्मीद है। हमारा कंपनी नया नया प्रोडक्ट्स लेते आ रहा है और मैं विशेष से एक ही सब बोलूँगा, हम जो भी नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ज़रूर से उसका वॉल्यूम का इम्प्रूव करके अच्छा सा वॉल्यूम दीजिए। दो कारण है उसका, एक तो प्रोडक्ट नया है वो टेस्ट होने के बाद ही आता है आपके पास, उसमें फार्मर को ज़रूर फल मिलेगा, वो तो एक तरफ से सर्विस का है, फार्मर का सर्विस देना है। दूसरा है आपको सबको पता है जब केमिकल्स का मार्जिन दिन बर दिन कम होते जा रहा है, एक साल का मार्जिन अगले साल नहीं रहा, ज़रूर से आप यही प्रोडक्ट तीन साल चार के बाद क्वांटिटी में बेचोगी, ज़्यादा बेचोगी, उस टाइम आपको भी मार्जिन ना रहेगा हमारा भी मार्जिन ना रहेगा, क्यों चार पांच कंपटीशन आए के कट करेगा, रेट कटिंग करेगा, क्वांटिटी तो ज़्यादा बिकेगा जरूर, वॉल्यूम होगा मगर बिजनेस चलेगा, मार्जिन नहीं रहेगा। उसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हम लोग नया प्रोडक्ट ऐसे प्रोपेल दो तीन साल तक ये लेके नहीं आ पाएगा, आप अभी विशेष नहीं देंगे, चलो यार एक पेटी मंगा लो करके छोड़ देंगे, फिर बाद में सब लोग आएगा, सब लोग भेजेंगे, टनों टन भेजेंगे, उसमें आपको भी मार्जिन नहीं रहेगा हमारा भी मार्जिन नहीं रहेगा। अभी ऐसे विशेष में हम लोग दो तीन प्रोडक्ट और अगले साल से ले आ रहा है, एक तो टैग फ्लाई करके एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट आ रहा है, एक और कोटिवा के साथ हमारा वो भी चल रहा है, मतलब रिसर्च चल रहा है, उसमें डेटा जनरेशन में है, वो भी अगले साल आएगा। ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा दो तीन साल तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं ले आ पाएगा। हम मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स का, वैसे हमारा स्टार्टअपर भी पिछले साल प्रोड्यूस हुआ, न्यू प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाइए, क्वांटिटी बढ़ाइए, क्यों हर प्रोडक्ट लॉन्च करने में मिनिमम क्वांटिटी होता है, आप भी होता है, आप भी बहुत क्वांटिटी में क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, ये वॉल्यूम नहीं मिलने से हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। उसके कारण मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप ऐसे सहयोग देते रहिए। कंपनी के बारे में किसी को करके बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें से ऐसे कई लोग हैं जो 30 साल से जुड़े हुए हैं, हमें तो लगभग 10 साल हुआ है ट्रैक्टर के साथ काम करते हुए। सबसे बड़ी चीज जो कंपनी में हमको जो मुझे एहसास हुआ वो सबसे बड़ी चीज है कि इस कंपनी में अनुशासन और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज है जितने भी विक्रेता हैं इनके लिए कंपनी सदैव नित नया सोचती रहती है। जैसे बायो की बात होती है आज किसानों के लिए, अगर और कंपनियों की तुलना किया जाए तो ट्रॉपिकल एक ऐसा सोल्यूशन है जहां किसानों को बायो के लिए पूरी रेंज उपलब्ध होती है जिसे आप संपूर्ण कह सकते हैं। बायो की पूरी रेंज अगर आपको कहीं ढूंढनी है जिसमें गुणवत्ता भी हो तो आपको टापकल के साथ मिलना है। लगभग बायो के सारे प्रोडक्ट नासा देख रहे हैं, आप टापर बैठे हुए हैं यहाँ नासा बेचने वाले, बायो के टाइप स्टार टाइप बायो टाइप बम्पर जितनी सारी रेंज है सब में क्वालिटी गुणवत्ता उनकी एक नंबर की, आपकी मार्जिन भी इसमें निहित होती है, ये सबसे बड़ी चीज है।
और दूसरी चीज आपको बताएं, इस कंपनी में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे अधिकारी हैं माननीय तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, एक्शन तिवारी जी। तो आप उम्मीद करेंगे, लोग युवा ढूंढते हैं कि हमको नई जनरेशन के लोग चाहिए। तमाम कंपनियों में ऐसा होता है जो, लेकिन ये प्राप्त के लिए एक ऐसी कंपनी है जो अनुभव ढूंढती है। इस अनुभव के लिए ताली बजाइए, हमें इनके अनुभव का लाभ मिल रहा है। मेरा व्यापार अगर ऊंचाई पे जा रहा है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो तिवारी जी के अनुभव का लाभ मिलता है। और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उनके अनुभव को, उनके सम्मान को सदैव कंपनी निहित रखती है। हर जगह उनके सम्मान की कीमत होती है, और कंपनी के साथ जुड़कर हम लोग भी अपने व्यवसाय को ऊंचाई देना चाहते, वो मिल ही रहा है सबको। तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर दिशा बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। सभी का दिल से धन्यवाद, और कंपनी की ऊंचाई के लिए भगवान से प्रार्थना। 1985 से ट्रॉफी कल्चर जुड़ा हुआ था। 1985 से लेकर आज तक ट्रॉफी कल्चर जोड़ने की जो मेन वजह है वो ये है कि कभी भी इसके किसी भी प्रोडक्ट ने जो हमने सेल किए उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। आज की तारीख तक किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी कंप्लेंट हमको मौजूद नहीं हुई। यही हमारी असली वजह है जो हम इतने लंबे वक्त से आज तक जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्फाजों के साथ में कि हमारे अनुभव से आप ज्यादा फायदा उठाएंगे और अपनी गुंजी को और मजबूत करें।